है आज का मुख्य समाचार, खासकर शिक्षा जगत से। शिक्षक भर्ती रिजल्ट, विज्ञान अंग्रेजी उर्दू में 8,358 पास, 9-10 के 8 विषयों में 9,365 अभ्यर्थी सफल। विज्ञान में टॉप किया है कृष्णकांत पांडे, चांदनी कुमार, राकेश कुमार सिंह। अंग्रेजी में अंजलि वर्मा, उर्दू में मोहम्मद सदर आलम। फिजिकल एजुकेशन मुनेश कुमार, डांस राजा कुमार, बांग्ला मोंतोष माझी, मैथिली संजय कुमार, पर्शियन नौशाद आलम। नियोजित शिशु राजकर्मी का दर्जा जल्द, प्रस्तावित नियमावली कैबिनेट मोहर के आसार बढ़े, राज्य के 3,50,000 शिशु राजकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। इसके लिए प्रस्तावित नियमावली कैबिनेट की मोहर की तैयारी है। कैबिनेट की आगामी बैठक में प्रस्तावित नियमावली मोहर लगाने के आसार है। कैबिनेट की आगामी बैठक मंगलवार को होने वाली है। 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक गोपाल इंदौर पर थे, वहाँ उन्होंने इस बात के साफ साफ संकेत दिए कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जल्द मिल सकता है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों का मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं, सरकार उन्हें राजकर्मी देने की घोषणा कर सकेगी, जल्द ही नियोजित शिक्षक मिलेगा। आज से काउंसलिंग है। हाई स्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों में 12,371 की ही हो पाई नियुक्ति। प्रयोगशाला सहायकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट जारी हुआ। CBSE ने पटना जोन के 36 स्कूलों की मान्यता रद्द की। कुशवाहा परिषद का 50वां पारिवारिक मिलन समारोह माना। आवंटित जिले में ही होगी शिक्षु काउंसलिंग। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का सत्याग्रह 7 को। कांस्टेबल की सभी 46 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। प्रशिक्षित शिक्षक के 380 पदों पर मौके। सामान्य वर्ग की उम्र अधिकतम आयु 30 वर्ष से कम हो। ये है एयर इंडिया में 130 पदों के लिए आवेदन कर सके। चार्जमैन के 42 पदों पर आवेदन करें। PhD करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के टनवेरा PhD प्रोग्राम इन मैनेजमेंट संविधान विषय में PhD किसी विषय 55 प्रसंग के साथ 70 हो या इस किस्म के 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। लिखित परीक्षा का चयन आप 1500 रुपये, अंतिम तिथि 3 दिसंबर। UPSC का मार्च और UPPSC फरवरी में जारी करेगा परिणाम। SSC के अनुवादक भर्ती परीक्षा 31 को प्रवेश पत्र जारी। 5 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षा का शेड्यूल जारी करेंगे स्कूल। PhD प्रवेश परीक्षा में 2,298 शामिल। बदली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 4 कृषि रोड में लागू। शिक्षा नीति प्रथम चरण पूर्व परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का आशय, कल से दूसरे चरण की। माध्यमिक विद्यालय के 8 विषयों में हो गया इतना। पटना हाईकोर्ट सहायक भर्ती में 1959 सफल। WHO ने कोरोना पर निगरानी बढ़ाने को कहा। पेपर आउट का आरोप, चक्का जाम। 84 साल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले होंगे बेहद महत्वपूर्ण। चैनल पोस्ट को स्टेटस में कर सकेंगे शेयर। बेटी की ऑस्ट्रेलिया पर पहली जीत। दुश्मन को चकमा देकर प्रहार करेगा INS इम्फाल। उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने भारतीय कुश्ती महासंघ ने निलंबित। भारत आ रहे पोत पर लाल साहब ड्रोन से हमला। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार। यदि जानकारी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।